वेलकम ऑल ऑफ यू टू किचन सूत्रा। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट पराग कानेरे। आज हम पुणे से थोड़ा सा बाहर निकलेंगे, जाएंगे मेरे एक फेवरेट रेस्टोरेंट में जो है खेड़ शिवापुर में। अभी हम बस गुजर रहे हैं कातरज से और एक कातरज का टनल क्रॉस करके हम उतरेंगे खेड़ शिवापुर में। बहुत बेहतरीन जगह है, हाईवे पे बहुत सारी रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बस नाम लो आपको वो चीज़ वहाँ पे मिल जाती है। मैं अक्सर जाता हूँ वहाँ पे मटन भाकरी खाने। सूल मटन करके रेस्टोरेंट है जो मेरा बहुत ही फेवरेट है। वैसे देखा जाए तो ये रेस्टोरेंट जो है काफ़ी मशहूर है पुणे में। 3 उनकी ब्रांचेस हैं। पहली ब्रांच उनकी खुली नगर रोड पे, दूसरी उनकी खुली ये खेड़ शिवापुर पे, और बानेर में भी उन्होंने अभी एक रेस्टोरेंट चालू किया है। चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं व्हाट्स गोइंग टू बी ऑन माय प्लेट टुडे। बहुत ही बेहतरीन इंटीरियर बनाया इन्होंने। वाओ, लुक एट दोज वॉल्स, आई लाइक द लोगो। एक्चुअली काफी कैची लोगो बनाया इन्होंने। रेस्टोरेंट का साइज भी काफी बड़ा है और इनकी सिटिंग जो है काफी कंफर्टेबल है। चलिए जाते हैं उनके तंदूर सेक्शन में एंड लेट्स लर्न अ रेसिपी। भाई इनके मराठी खाने के साथ इनके कबाब भी बहुत फेमस है। यहाँ पे उनके तंदूर के उस्ताद और ये हमें दिखाने वाले हैं दम का कबाब। ये जो आप चिकन देख सकते हो इसे फर्स्ट मैरिनेशन जिसे हम कहते हैं वो लगा के रखा हुआ है, जिसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, चाट मसाला, कूटे हुए कुछ अलग इनके सीक्रेट मसाले हैं, नींबू का रस है, और ये उनका हो गया फर्स्ट मैरिनेशन। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे उनका सेकंड मैरिनेशन, इसमें खड़ा मसाला है, पुदीना है, चीज़ है और क्रीम भी डला हुआ है। शायद इसमें क्रीम है इसमें या दही है? दही डला हुआ है। ओके, दही, चीज़, कूटा हुआ इनका सीक्रेट मसाला, कसूरी मेथी। अब ये लगेगा यहाँ पे उनका सेकंड मैरिनेशन। अब ये मैरिनेटेड चिकन के जो पीसेस हैं ये लगेंगे सिख पे और जाएंगे तंदूर के अंदर। इसे 70% तक कुक करते हैं। नो वंडर वाई ये यहाँ की बहुत ही सिग्नेचर डिश है। अच्छा, पुदीना डाला है तो डबल क्रीम, लॉट्स ऑफ चीज, पुदीना, ये सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे डली हैं। बाकी नमक वगैरह तो लगाया है उसे कबाब को, तो वे जो क्रीमी मिक्स हैं इसमें जाएगा इनका ये कबाब। वाओ, अच्छा, मटके को कवर करने के लिए एक बस पतली रोटी, आटे की रोटी यहाँ पे लगी जाएगी। अब ये मटका जाएगा सीधे तंदूर के अंदर। वाह भाई वाह, तंदूर में एक्चुअली मटके के अंदर ये चिकन पक जाता है। करीबन उसे रखते हैं 10 मिनट तक और आप देख सकते हो ये जो मटका है उसके ऊपर का रोटी का जो कवर है वो भी काफी पक गया है। बस निकलने के बाद अरे वाह भाई वाह, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। This is tasting so cheesy, creamy. एक तो इनका मसालेदार जो मैरिनेशन है वो इन सारे फ्लेवर्स के साथ बहुत ही बढ़िया लग रहा है, देख सकते हो। अगले एपिसोड में देखिए। हमारी माँ हो गई, मेरे हमारी दादी हो गई तो भाकरी बनाती थी, तो हमारी रेस लगती थी कौन गरम गरम भाकरी खाता है पहले। तो हम लोग क्या करते थे, बस हमारा प्लेट लेके बस चूल्हे के यहीं पे बैठ जाते थे। हाँ,
बहुत बढ़िया काम करते हो आप सब लोग, देखा ना आपने, मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है। वाह, यहाँ पे अब ये बाजरे की भाकरी बन रही है और मेरा जो थाली है ये बस आएगा इनके किचन में से। गरम गरम रस्सा, मटन चाप, बैंगन का भरता और भेजा फ्राई, ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये गरम गरम भाकरी के साथ हम खाएंगे। वाह क्या बात है। हे चालू करू ना का जळायचो मी। हाँ अरे बाप रे, गरम गरम भाकरी आप देख सकते हो, आहा क्या बात है। अब अगले एपिसोड में हम देखेंगे इनका चूल्हे पे खाना कैसे बनता है। चलिए मिलते हैं, तब तक जय हिंद।